मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड भोपाल के उपाध्यक्ष महंत श्री नरसिंह दास जी एक दिवसीय दौरे पर सरदारपुर की दसाई गोपाल कृष्ण गौशाला पहुंचे। वहीं पर पूरी गौशाला का भ्रमण किया। धार जिले के 88 गांवों में कुल 269 गोमाता इस लंपी वायरस से संक्रमित हुई है। हालांकि इसमें से 252 गोमाता रिकवर भी हो रही है। खास बात यह है कि इस वायरस से अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं पर पशुपालन विभाग भी लगातार पशु में वैक्सीन लगाने का काम कर रहा है। वहीं 13 RRT की टीम बनाई गई है जो कि लगातार काम में जुटी हुई है। इस विषय परिस्थिति में गो संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष का दौरा विशेष भी माना जा रहा है, क्योंकि गोमाता के खान पान व साफ सफाई व समय पर उपचार की व्यवस्था को लेकर गौशाला प्रबंधन से रूबरू हुए। वहीं पर गो संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते बताया कि सरकार भी लंपी स्किन डिसीज संक्रमित रोग को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने आज धार जिले का दौरा किया है। जिस प्रकार से डॉक्टर व गौशाला प्रबंधन जागरूक नागरिकों की सतर्कता से आज मुझे जो गोमाता की व्यवस्था दिखाई दी है, इससे उन्होंने खुद को संतुष्ट बताया और दशाई गौशाला की तारीफ करते हुए कहा कि बीमारी से बचने के लिए युवा वर्ग ने वहां पर गोमाता के लिए उपचार, मच्छरों से बचाव के लिए समिति ग्रामीण युवा विशेष उपाय कर रही हैं। वहीं पर दसाई पशु चिकित्सक कुंदन वर्मा व दसाई का युवा आज विपरीत परिस्थिति में भी गाय माता की सेवा कर रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। लंपी वायरस को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? ये लंपी वायरस का जो प्रकोप हमारे प्रदेश में आया है, उसके लिए आधिकारिक स्तर पे टीकाकरण का आयोजन चल रहा है। जगह जगह गौशालाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कराया जा रहा है। एक और जहां सरकार अपने पूर्ण प्रयास कर रही है, वहीं ग्रामीण जनजागृति ने भी इससे लड़ने में बहुत शक्ति प्रदान की है। अभी कुछ देर पहले ही मैं खुटपला गौशाला होकर आया हूं, जहां मैंने पहली बार मेरे जीवन में युवकों को इतनी जन सेवा गौ माता के लिए करते देखा है। जहां तन मन धन से बच्चे जो है वो आयुर्वेदिक लड्डू बना रहे हैं, और न केवल अपनी गौशाला में वरन आसपास के क्षेत्र की गौशालाओं में और घर घर बांटने का भी कार्य कर रहे हैं। गोपालकों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? गोपालकों के लिए अभी हमारी यही निवेदन है कि वे लोग अपने गौ सेवा क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें और गौ के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे ही उनको आवश्यकता लगती है वैसे ही हमारे चिकित्सकों से संपर्क करें और देसी इलाज करते रहें। सर, नाम महामंडलेश्वर नरसिंह दास।